हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। आपने हॉलीवुड फिल्मों में कई बार हवा में कार को उड़ते हुए देखा होगा और उसे देखकर आपने ये भी सोचा होगा कि एरोप्लेन की तरह काश ऐसे कार भी उड़ने लगे तो हम सबको ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में जो फ्लाइंग टैक्सी बनाने पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम एक्सपेंग X2 है। हाल ही में दुबई के आसमान में इसका ट्रायल रन किया गया। ये एक 5th जनरेशन इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में 2 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी वेट को कम करने के इसको पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनाया गया है। जिस दिन इसका टेस्ट ड्राइव किया गया उस दिन तो इसमें कोई नहीं बैठा था, पर कंपनी का कहना है कि जुलाई 2021 में इन्होंने 2 पायलट को ही बैठाकर टेस्ट किया था। कंपनी का कहना है कि इस कार की टोटल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और ये 8 प्रोपेलर से उड़ता है और ये 2024 तक लॉन्च हो सकता है। लेकिन अभी ये फ्लाइंग कार सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहा है, जैसे बैटरी लाइफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। ये पायलटलेस कार एक दिन एक शहर से दूसरे शहर ले आने वाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फ्यूचर की तरह देखी जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसी उड़ने वाली कार चलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।